प्रियम स्टूडेंट स्टैंडर्ड जूनियर केजी, कैसे हो सब? मजे में है ना? लास्ट टाइम हमने ए टू ई देखा था, आज हम थोड़ा पिक्चर भी देखेंगे। जैसे ऐसे हमने क्या बोला था, एप्पल एरोप्लेन, ऐसे एंड एंड भी होता है। तो आप देखो, ध्यान से देखो। स्टैंडिंग लाइन, इसके बाद हाफ सर्कल, देखो बड़ा वाला हाफ सर्कल, देखो।
स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल, कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, राइट? बोलेंगे एफ, एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्रॉग, फॉक्स, फिश, एफ कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दो स्लीपिंग लाइन। ये स्मॉल भी दिया हुआ है, स्मॉल आपको देखना है सिर्फ। जी, जी फॉर गॉड, गर्ल, जी फॉर गर्ल और ग्रेप्स, देखा? जी, जी के बाद क्या आता है आफ्टर? एच, क्या आता है? एच।
I for ice cream, iron or igloo. देखो आइसक्रीम क्या होता है वो सबको पता है, बहुत अच्छी लगती है, नहीं सीजन हो जैसी भी हो, ठंडी हो गर्मी हो, पर आइसक्रीम अच्छी लगती है। आयरन इसलिए हम जैसे करते हैं जिसे करते हैं वो इग्लू। इग्लू क्या होता है पता है, वो बर्फ का हाउस होता है, घर होता है इग्लू। देखो बर्फ का है तो वो बर्फ का घर होता है इग्लू। J for jeep, J for jungle, J for shoes. देखो J for जब हम जो लिखते हैं वो भी होता है, right? क्या है के फॉर काइट, L for lotus, L for lion, L for lake, right? Lake, lotus, lion.
for monkey. Mouse, moon, और M for mango भी होता है। N for nail, make, nose, N for nest भी होता है, right? O for orange, onion, octopus. तो लास्ट पीरियड हमने ए बी सी डी ई देखा था, कैसे लिखा जाता है और ऐसे क्या होता है। आज मैंने आपको डिजिटल में दिखाया कि भाई मैंने बोला था ऐसे एप्पल, एरोप्लेन, एन, तो ये पिक्चर के साथ आज आपको देखने को मिला। आज नेक्स्ट पीरियड में हम ए ऐसे ई तो हमने सीखा है, एफ F, G, H, I, J, K, N यहाँ तक सीखेंगे। तो आज हमारा पीरियड हम यहीं खत्म करते हैं। अलविदा।